हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसे आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता है। दोस्तों, ये यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा इस शहर की गिनती होती है दुनिया के सबसे महंगे शहरों में। रियल एस्टेट के मामले में दुनिया भर के टॉप 10 सबसे महंगे शहरों में शुमार है ये शहर। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी इसी शहर में रहते हैं और यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है और इसी शहर में है दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। इस शहर के मैकडॉनल्ड्स के नाम है एक खास रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, आज हम आपको रूस की राजधानी शहर मॉस्को के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिस्ट में शामिल रूस की राजधानी मॉस्को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इसके साथ ही मॉस्को रूस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और इसका राजनीतिक केंद्र भी है। रूस का नाम उन देशों में लिया जाता है जिसकी सीमा दो महाद्वीपों तक फैली हुई है। रूस सबसे बड़ा देश है जो दो महाद्वीप एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। रूस का ज्यादातर क्षेत्रफल एशिया में आता है जबकि राजधानी मॉस्को यूरोप में स्थित है। मॉस्को शहर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है जो इस शहर को सबसे अलग बनाता है। ये शहर मोस्कवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ये पुराने सोवियत संघ और प्राचीन रूसी साम्राज्य की राजधानी भी रही है। मॉस्को को दुनिया के अरबपतियों का नगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बसते हैं। यहाँ काफी कुछ ऐसा है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस शहर का टोटल पॉपुलेशन है 1.19 करोड़। आबादी के लिहाज से मॉस्को दुनिया का छठा सबसे बड़ा शहर है, जबकि इसकी गिनती यूरोपीय महाद्वीप के सबसे बड़े शहर के तौर पर की जाती है। ये शहर इतना सुंदर है कि लोगों का सपना होता है यहाँ आकर बसना। तभी तो मॉस्को में रहने वाले सिर्फ 2% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी यहाँ रहने वाले लोग या तो रूस के दूसरे शहरों से आए हैं या पड़ोसी देशों से। भले ही ये शहर थोड़ा बड़ा हो, लेकिन रहने के लिए आपको यहाँ जगह बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि मॉस्को के लोगों ने दूसरे लोगों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। एक बड़ी सिटी और ज्यादा लोग होने की वजह से मॉस्को प्रॉपर्टी खरीदने या किराए पर लेने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। मॉस्को लगातार रियल स्टेट के मामले में दुनिया भर के टॉप 10 सबसे महंगे शहरों में शुमार होता आया है। इस शहर में घर लेना मतलब एक खास मुकाम अपने नाम करना है। मॉस्को का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे हाईटेक माना जाता है। इस शहर में घूमने के लिए आपको किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं होने वाली। मेट्रो हो या ट्रेन, हर वक्त आपको ट्रैवल के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। वहीं अगर मेट्रो की बात करें तो मॉस्को का मेट्रो सिस्टम दुनिया के सबसे बिजी मेट्रो सिस्टम्स की लिस्ट में आता है। इस शहर में मेट्रो आपको कभी खाली नहीं दिखते। यहाँ लोग सबसे ज्यादा मेट्रो का ही इस्तेमाल करते नजर आते हैं। आज मॉस्को मेट्रो में एक दिन के अंदर करीब 90 लाख लोग सफर करते हैं। हर 90 सेकंड में यात्रियों को ले जाने वाली मॉस्को की मेट्रो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स के मामले में बस जापान की राजधानी टोक्यो से ही पीछे है। लेकिन जिस तरह से इस शहर का मेट्रो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले समय में ये शहर टोक्यो की बराबरी भी कर सकता है। भले ही टोक्यो मेट्रो सिस्टम के मामले में मॉस्को से आगे हो, लेकिन इस शहर के मेट्रो में एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो टोक्यो में भी नहीं है, और वो है यहाँ के डॉग्स। जी हाँ, मॉस्को में फॉरेस्ट डॉग्स यानी जंगली कुत्तों की संख्या कुल 35,000 है, जिसमें से 20,000 से ज्यादा तो आपको मेट्रो में घूमते हुए देखने को मिलेंगे। इन कुत्तों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यही मॉस्को के पूरे मेट्रो सिस्टम को नेविगेट कर रहे हैं। कुछ कुत्ते तो पूरे समय मेट्रो में रहते हैं और लोगों से बातें भी करते हैं। उन्होंने सीखा है कि एस्केलेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वो ये भी जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से दूर रहकर लोगों को परेशान नहीं करना है। पूरे दिन मेट्रो में सफर करने के बाद ये कुत्ते अपनी जगहों पर वापस लौट जाते हैं। है ना कमाल की बात। मॉस्को में रहना इसलिए भी महंगा है क्योंकि दुनिया के सारे अमीर लोग तो यहीं आकर बसे हैं। मॉस्को दुनिया के किसी भी दूसरे शहर की तुलना में कहीं ज्यादा अरबपतियों का घर है। मॉस्को में लगभग 84 अरबपति रहते हैं जिनकी कुल संपत्ति $667 बिलियन है। अब जाहिर सी बात है, मॉस्को को दुनिया का सबसे महंगा शहर तो कहा ही जाएगा। फोर्ब्स भी इस बात को मान चुका है कि इस शहर में हर साल कई अरबपति रहने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। मॉस्को शहर में रहने वाले अमीर लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो ट्रैफिक में थोड़ा सा इंतजार कर लें। इसके लिए यहाँ के अमीर लोग अजीब अजीब तरीके निकालते हैं। बता दूं कि मॉस्को के लोग बड़े नौटंकीबाज होते हैं। चूंकि मॉस्को में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, पीक आवर्स में यहाँ के लोग भारी संख्या में ऑफिस और अपने बिजनेस के लिए एक साथ सड़क पर निकलते हैं। ऐसे में यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स की समस्या हो जाती है, और ट्रैफिक से बचने के लिए लोग यहाँ एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं यहाँ के चिंदी चौरे। हालांकि आजकल पुलिस इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले रही है, और जो भी फर्जी एम्बुलेंस में बैठा पकड़ा जाता है उसे 5 साल की कैद की सजा दी जाती है। फिर भी यहाँ हर साल तकरीबन 4,000 फर्जी एम्बुलेंस केसेस सामने आते हैं। मॉस्को स्टूडेंट्स के लिए जन्नत माना जाता है। ये शहर पढ़ाई के मामले में सबसे आगे है। स्टूडेंट्स को अगर कहीं जाकर पढ़ाई करनी होती है तो वो रूस के इसी शहर को चुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।
मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं। बता दें कि रात के समय मॉस्को शहर का नजारा अलग ही होता है, क्योंकि यही वो समय है जब इस शहर के लोग सबसे ज्यादा सड़कों पे दिखाई देते हैं। मॉस्को अपनी शानदार नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है। यहाँ नाइट क्लब्स, डिस्को और एंटरटेनमेंट स्पॉट्स की संख्या इतनी है कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन आप सारी जगह फिर भी नहीं देख पाएंगे। आप रात को मॉस्को में बड़े आराम से घूम सकते हैं और इस शहर की खूबसूरती के मजे ले सकते हैं। रात के समय मॉस्को के कई म्यूजियम्स में स्टेज शोज होते हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरे रूस से हजारों लोग आते हैं। दोस्तों, मॉस्को घूमते समय इन स्टेज शोज को तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि मॉस्को शहर खाने के मामले में कुछ ज्यादा ही शौकीन है। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने की वजह से इस शहर में खाने की काफी वैरायटी मौजूद है। यहाँ के लोग काफी फूडी होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि मॉस्को के लोग एक दिन में 33,000 टन खाना खा जाते हैं। यहाँ आपको हर तरह के कैफेज और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जहाँ खाने की इतनी लजीज चीजें मिलेंगे जिनका कोई जवाब ही नहीं है। साथ ही रूस के लोगों को बियर पीने का भी काफी ज्यादा शौक है। क्या आप जानते हैं कि जब मैकडोनल्ड्स ने 31 जनवरी 1990 को मॉस्को के पुश्किन स्क्वायर पे अपना पहला रशियन रेस्टोरेंट खोला, तो यहाँ आने वाले लोगों की लाइन इतनी लंबी हो गई कि शहर ने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। पहली बार किसी रेस्टोरेंट पर एक ही दिन में लोगों की इतनी लंबी लाइन लग गई थी। इतना ही नहीं, रूस में खुले पहले मैकडोनल्ड्स ने पहले ही दिन 30,000 से ज्यादा लोगों को फूड सर्व किया था। 2008 में मॉस्को के इस रेस्टोरेंट ने एक साल में 20 लाख से ज्यादा लोगों को फूड सर्व करने का कारनामा किया था। आज भी ये दोनों ही रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें कोई भी देश तोड़ नहीं पाया है, और यही वजह है कि टूरिस्ट भी इस मैकडोनल्ड्स में आना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर पीने की बात की जाए तो ऐसा लगता है यहाँ के लोगों का खाना बियर के बिना अधूरा रहता है, तभी इस शहर के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स पे बियर मिलते हैं। मॉस्को में एक रेस्टोरेंट तो ऐसा है जो 30 अलग अलग तरह के बियर ऑफर करता है। यहाँ के लोगों के बीच में शराब पीने की बहुत ही खराब आदत है। कहा जाता है कि यहाँ लोग नशा किए बिना रह ही नहीं पाते। आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पे ठंड के नाम पे ही शराब पीते हैं, और यहाँ पर वोडका का मतलब होता है पानी, इसलिए यहाँ के लोग वोडका को पानी की तरह पीते हैं। और दोस्तों, यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा वोडका पीते हैं। मॉस्को जाने से पहले दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। इस शहर में कुछ कानून है और कुछ अजीब बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि मॉस्को मेट्रो में जब ट्रेनें शहर के सेंटर में जाती हैं, तो घोषणाएं एक पुरुष की आवाज में होते हैं, और जब सेंटर से शहर की तरफ जाते हैं तो घोषणाएं एक महिला की आवाज में की जाती है। आपको बता दें, नेत्रहीन लोगों के लिए नेविगेशन आसान करने के लिए ये किया जाता है। अगर आप इस शहर में मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, तो मेट्रो के अंदर रहने वाले कुत्तों को भूलकर भी परेशान मत कीजिएगा। ऐसा करना इस शहर में गैर कानूनी है। मॉस्को में असल में कुत्तों को रात में भौंकने से रोकने वाला कानून है। ये नियम 1994 में लागू किया गया था। कुत्ते रात के 3 बजे से सुबह के 7 बजे तक भौंक नहीं सकते। जिन मालिकों के कुत्ते कानून तोड़ते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। अजीब है, अब भला भौंकने पे भी कोई रोक लगाता है क्या? इसके अलावा दोस्तों, मॉस्को में कार गंदी रखने पे भी जुर्माना देना पड़ता है। मॉस्को में अगर आप गंदी गाड़ी लेके सड़क पे निकल गए, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकते हैं। गंदी गाड़ी रखने पर यहाँ करीब 3500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। वैसे कुत्ते पालना ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी पालतू लोमड़ियों के बारे में सुना है क्या? आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोमड़ियों को भी पाला जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें घर में भी रखा जाता है। यहाँ पालतू लोमड़ियों को घर के बाहर नहीं रख सकते हैं। मॉस्को में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी उतना ही प्यार दिया जाता है। दोस्तों, इस शहर में 3500 से ज्यादा ऐतिहासिक सड़कें और गलियां हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें भी इसी शहर में स्थित हैं। मॉस्को में देखने के लिए कई नेशनल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, और इसके अलावा भी काफी कुछ है। औस्तन कीनो टीवी टावर यूरोप का सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी कुल ऊंचाई 540 मीटर है। साथ ही पूरे रूस का सबसे बड़ा चिड़ियाघर 1864 में मॉस्को में ही खोला गया था। अरबात गली मॉस्को में सबसे पुरानी गलियों में से एक है। ये गली 520 साल पुरानी है। इसे मॉस्को की सबसे महंगी गलियों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, मॉस्को में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें और क्या क्या देखें। यहां के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में रेड स्क्वायर, क्रेमलिन एंड सेंट बेसिल्स कैथेड्रल और लेनिन की समाधि पूरी दुनिया में फेमस हैं। अगर आपको म्यूजियम्स घूमने का शौक है, तो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम जरूर जाइएगा। और शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए इज्मेलोवस की मार्केट और अरबात स्ट्रीट तो जन्नत समान है। मॉस्को यूरोप की सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ रूस के सबसे बड़े बैंक और कंपनियां स्थित हैं, जिनमें रूस की सबसे बड़ी कंपनी गैज़प्रॉम भी शामिल है। आपको बताएं, 3 करोड़ डॉलर की हर दिन बिक्री और 10,000 विक्रेताओं के साथ चेरकिजोव्स्की मार्केट यूरोप का सबसे बड़ा बाजार है।
यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मॉस्को में है, जिसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रशिया कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ आपको हर टाइम लोगों की भीड़ मिलेगी। रूस की पिछली 2 शताब्दियों का पूरा इतिहास यहाँ संभाल कर रखा गया है। लाइब्रेरी को पहले महारानी कैथरीन द्वारा द्वितीय इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में खोला गया था। अगर आपको रूस के इतिहास के बारे में जानना है तो इससे बढ़िया जगह और कोई हो ही नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पीटर द ग्रेट के शासन के समय में मॉस्को में कुछ ऐसा होता था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उस समय शहर में जो भी दाढ़ी रखता था उसे इसके बदले में टैक्स देना पड़ता था, जो कि बहुत ही अजीब नियम था। तो दोस्तों, ये था रूस का राजधानी शहर मॉस्को। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको मॉस्को की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो मॉस्को, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।